कहानी की शुरुआत होती है और हमें एलिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और ये एक मेंटल हॉस्पिटल में आई होती है और यहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो कि एलिस के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। अब हम देखते हैं कि एलिस की जांच के बाद उसे एक सेल में ले जाकर बंद कर दिया जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि एलिस अपने साथ एक डॉक्यूमेंट लेकर जाती है क्योंकि वो बताती है कि उसे पढ़ने का बहुत शौक है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एलिस इस बुक की मदद से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ में लेकर जाती है। अब अगले दिन एलिस की मुलाकात यहाँ पर एक आदमी से होती है जिसका नाम यूरकेट होता है जो कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी जाती हैं जैसे कि सिगरेट और शराब। यहाँ पर एलिस दो लड़कों को भी देखती है जो कि एक साथ जुड़वा होते हैं, एक का नाम रेमो और दूसरे का नाम रेमेलो होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एलिस एक खुफिया डिटेक्टिव होती है जो कि यहाँ पर एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आई होती है। अब यहाँ पर एलिस बहुत सारी पूछताछ करती है लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर वो जिन लोगों से पूछताछ करती है वो सिर्फ पागल लोग होते हैं। अब बाद में एलिस को डॉक्टर सीजर के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर सीजर एलिस से कुछ सवाल पूछता है जिनका जवाब एलिस आसानी से दे देती है। अब साथ में ही डॉक्टर एलिस से उसके सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन एलिस इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि ये बातें उसकी नजर में बहुत ही पर्सनल थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सीजर को पता चल जाता है कि एलिस पागल नहीं है। अब अगले दिन हम एलिस को डॉक्टर सीजर के पास फिर से देखते हैं, लेकिन एलिस सबकी बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन तभी एलिस सबसे छुप छुपा कर एक लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और वहां से वो एक पेशेंट की रिपोर्ट को चुरा लेती है। अब जब एलिस चर्च के अंदर होती है तब उसकी मुलाकात एक रोंगलू नाम के पेशेंट से होती है जो कि एलिस को बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। अब एलिस यूरकोटो के पास जाती है जहाँ पर वो कहती है कि तुमने ही मर्डर किया है और एलिस अपने साथ एक लेटर भी लेकर आए थे जिसे बोलती है कि ये लेटर भी शायद तुमने ही लिखा है। लेकिन तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और यूरकोटो को बारिश की वजह से एक रोग होता है। यहाँ पर जब बारिश की बूंदें यूरकोटो पर पड़ती है तो उसकी स्किन जलने लगती है। अब यहाँ पर वो यूरकोटो को अपने बारे में बता देती है कि वो एक खुफिया डिटेक्टिव है और मैं यहाँ पर डेमियन की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आई हूँ। तब ये आदमी यहाँ पर बताता है कि डेमियन की हमेशा एक आदमी से लड़ाई हुआ करती थी जिसका नाम ओजडा होता है और वो एक बौना आदमी है, जिसकी वजह से एलिस अगले दिन उस बौने आदमी का पीछा करने लगती है। लेकिन तभी जंगल के अंदर से रोंगलो मिलता है। इस हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को ये आजादी थी कि वो कहीं भी जंगल में घूम सकते थे, इसीलिए होंगलो ने छोटा सा अपना जंगल के अंदर एक घर बनाया था जिसके अंदर वो अपनी बहन और भाई के साथ रहता था। लेकिन यहाँ पर रोंगलो एलिस को माँ बोलने लगता है और वो बोलने लगता है कि मॉम आप मुझे कभी मत छोड़ के जाना। लेकिन तभी यहाँ पर एलिस को वो बौना आदमी दिख जाता है, लेकिन अचानक से वो आदमी एलिस के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब जब एलिस की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं तो वो खुद को बधा हुआ पाती है। अब यहाँ पर एलिस के सामने डॉक्टर सीजर बैठा होता है जो कि एलिस से कहता है कि तुमने उस बौने आदमी को मार दिया है। लेकिन यहाँ पर एलिस बोलती है कि मुझे बस इतना ही याद है कि वो बौना आदमी मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर एल्वर आता है जो कि पूरे हॉस्पिटल का मालिक होता है। यहाँ पर एलिस उसे बताती है कि अभी उसने अपना पूरा जांच नहीं किया है और उसे ये भी पता चला है कि पेशेंट एलिस यहाँ से गायब है और डायमियन की कत्ल के पीछे भी कोई और है। तब अब एलिस डॉक्टर अल्बर्ट से बोलती है कि मेरी ही तो तुम्हारी खत के जरिए बात हुई थी, लेकिन डॉक्टर अल्बर्ट इस पर बोलता है कि मेरी तुमसे कोई बात कभी नहीं हुई थी। वो कहता है कि तुम बस मेरे लिए बस एक पेशेंट हो। तब एलिस बोलती है कि आपने ही तो मुझे पागलपन का नाटक करने के लिए बोला था, लेकिन डॉक्टर अल्बर्ट बोलता है कि मैं तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, जिसकी वजह से एलिस गुस्सा होकर डॉक्टर अल्बर्ट को धक्का देके वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी सिक्योरिटी वाले आकर एलिस को पकड़ लेते हैं। अब डॉक्टर अल्बर्ट एलिस को एक इंजेक्शन लगा देता है जिसकी वजह से एलिस बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एलिस की आंखें 3 दिन बाद खुलती हैं। उसके पास डॉक्टर कोस्टेल भी होती है। तब यहाँ पर एलिस उससे बोलती है कि मुझे घर जाना है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बोलती है कि आप बिना मेडिकल बोर्ड की इजाजत के यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए बाद में बोर्ड वालों की एक मीटिंग करवाई जाती है जिसमें एलिस बोर्ड के सामने सारी सच्चाई बताने लगती है कि मैं यहाँ पर बस एक डिटेक्टिव के तौर पर आई थी, लेकिन मुझे अब यहाँ पर फंसा दिया गया है। यहाँ पर एलिस बताती है कि वो यहाँ पर किसी को भी बता कर नहीं आई थी, यहाँ तक कि उसने अपने हस्बैंड को भी ना बताया। अब मेडिकल बोर्ड के बाकी डॉक्टर भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अल्बर्ट बोलता है कि ये झूठ बोल रही है। यहाँ पर डॉक्टर अल्बर्ट बताता है कि एलिस अपने खाने में हर रोज अपने हस्बैंड को जहर खिलाया करती थी, लेकिन जब ये बात इसके हस्बैंड को एक दिन पता चली तब उसने डॉक्टर्स को बुलवाकर उसे यहाँ पर भिजवा दिया और एलिस को यही बीमारी है कि जो कुछ है नहीं वो यही मानने लगती है और इसीलिए वो अपने आप को प्राइवेट डिटेक्टिव मानती है, लेकिन असल में वो कभी है ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिक्योरिटी वाले फिर से एलिस को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। अब पहले तो यहाँ पर एलिस के ऊपर एकदम ठंडा पानी छोड़ा जाता है, जिसके बाद एलिस को इलेक्ट्रिक शॉट दिए जाते हैं ताकि इसकी वजह से एलिस की सारी यादें मिट जाए। अब इसके बाद एलिस को दूसरी सेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक पेशेंट रहते हैं। अब यहाँ पर एलिस को भी पता चल जाता है कि उसके इस हॉस्पिटल में आने की वजह उसका हस्बैंड ही है और उसने ही उसे यहाँ पर भेजा है क्योंकि उसके हस्बैंड की नज़र उसके पैसों पर थी और मेरे यहाँ आने के बाद शायद मेरे हस्बैंड ने मेरे बैंक अकाउंट्स को भी खाली कर दिया होगा। अब हम देखते हैं कि एलिस के सामने डॉक्टर सीजर और डॉक्टर कोस्टेल होते हैं। अब यहाँ पर एलिस उन्हें पूरी सच्चाई बताती है कि मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पर भेजना चाहते थे, इसलिए उसने मेरी बीमारी के कागजों पर साइन कर दिए
और मैं यहाँ पर आकर एक ऐसे केस पर काम करने लगी जो कि कभी हुआ ही नहीं है, ताकि मैं यहाँ पर आकर फंस जाए और मेरा हस्बैंड मेरे सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर दे। इसलिए आप लोग मेरे बैंक अकाउंट्स को चेक कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर सीजर भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है ताकि वो एलिस की मदद कर सके। अब इधर हम डॉक्टर कोस्टल को देखते हैं, जिसे ये पता चल जाता है कि एलिस के हस्बैंड ने डॉक्टर एल्बर को 10 गुना ज्यादा फीस दी थी। लेकिन तभी उसके सामने डॉक्टर एल्बर आ जाता है, जो कि डॉक्टर कोस्टल को बोर्ड के पद से हटा देता है। डॉक्टर एल्बर अब एलिस को ढूंढने लगता है क्योंकि वो वहां से भाग चुकी होती है। अब यहां से एलिस जाकर स्टोर रूम में छुप जाती है, जहां पर वो इग्नोशियो की मदद लेती है और उससे उसका लाइटर भी ले लेती है। अब हम देखते हैं कि एलिस इस लाइटर की मदद से पूरे हॉस्पिटल में आग लगा देती है। तब तक इग्नोशियो भी सारे पेशेंट को आजाद कर देता है। अब यहाँ पर जोरदार आग लगने की वजह से भगदड़ मच जाती है, लेकिन इसी भगदड़ के दौरान इग्नोशियो को पता चल जाता है कि रोंगोलो को किसी ने मार दिया है। अब एलिस भी यहाँ से भागते हुए बाहर निकलने वाले गेट तक पहुँच जाती है, लेकिन जब वो यहाँ से जाने लगती है तभी बाहर से कोई गाड़ी आने लगती है, जो कि बताती है कि मैं यहाँ पर हत्या की जाँच करने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर रोंगोलो नाम के एक पेशेंट की हत्या हुई है। और ऐसा सुनने के बाद एलिशिया को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसी वजह से जो लड़की अब की इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, एलिस उसे बेहोश कर देती है और उसके कपड़ों को खुद पहन लेती है। लेकिन तब तक हॉस्पिटल के अंदर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर सीजर पुलिस स्टेशन के अंदर गया था और उसने पुलिस स्टेशन के अंदर ये कंप्लेंट कराई थी कि हमारी एक पेशेंट गायब हो गई है, जिसके बाद पुलिस वाले सीधा वहीं पर जाते हैं जहां पर रेंगोलो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसी वजह से पुलिस वालों का सीधा सा यूरकोटो पर जाता है और उसके हाथ भी खून से रंगे हुए थे, जिसकी वजह से वो यूरकोटो से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन यूरकोटो बताता है कि जब मैं वहां पर पहुंचा था तब मुझे रंगोलो पहले से ही मरा हुआ मिला था और मैंने रंगोलो को नहीं मारा था। इसीलिए यहाँ पर एलिस अब उस लड़की के कपड़े पहनकर आ जाती है, जो कि अभी अभी रंगोलो की जांच के लिए आई होती है, और एलिस खुद रंगोलो की जांच करने लगती है। तभी इधर डॉक्टर्स मिलकर सारे पेशेंट को अपने अपने सेल में बंद करने लगते हैं, जो कि यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एक पेशेंट अभी भी गायब है, जो कि एलिस होती है। लेकिन जब वो लोग बाहर देखते हैं तभी उन्हें वहाँ पर लूसिया नाम की एक लड़की बेहोश मिलती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि एलिस हॉस्पिटल के अंदर ही है। लेकिन तब तक यहाँ पर एलिस अपनी जांच पूरी कर चुकी थी, और यहाँ पर एलिस अब सारे पुलिस वालों और डॉक्टर्स को बताती है कि जिस इंसान ने रंगोलो को मारा है उसने कांच का इस्तेमाल किया था, और उस कांच को कई बार रंगोलो के शरीर में मारा गया है, लेकिन उससे पहले रंगोलो की हड्डियों को तोड़ा गया था। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई भारी चीज रंगोलो के ऊपर गिरा दी गई हो। और यहाँ पर एलिस बताती है कि जिस आदमी ने रंगोलो को मारा है उसके हाथों पर भी चोट आई होगी। अब जब पुलिस चेक करने के लिए जाती है तब वहीं पर हमें एक पेशेंट दिखाया जाता है जिसका नाम एनफेंट होता है, और उसके हाथों में चोट के काफी निशान होते हैं जब उसने शीशे को पकड़ा था, जिसकी वजह से इस पेशेंट को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर अलवर एलिस को पकड़ने की बात करते हैं तब पुलिस वाले बोलते हैं कि एलिस सच बोल रही है, एलिस के हस्बैंड ने एलिस के सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए हैं, ये बोलकर कि जो अकाउंट होल्डर है वो पागल हो चुकी है। अब एलिस आखिरी बार रेमो के सेल में जाती है और उससे पूछती है कि मुझे सच्चाई बताओ। तब यहाँ पर वो बताता है कि जब हॉस्पिटल में भगदड़ मच चुकी थी तब वो अपने भाई को अपने सेल में लेकर आया था, और रोंगोलो खुद अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन तब तक वो एलिफेंट आदमी आकर रोमो को रेंगोलो समझकर मार देता है, और रोंगोलो अभी तक जिंदा होता है। अब अगली सुबह बोर्ड की मीटिंग होती है जिसमें एलिस को बुलाया जाता है, और यहाँ पर मेडिकल बोर्ड के सारे डॉक्टर भी आए होते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अलवर वोटिंग नहीं करता, वो बोलता है कि मैं इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी एलिस बीमार है, लेकिन मैं अपना फैसला बाकी डॉक्टर्स की सहमति से ही लूंगा क्योंकि जो बाकी डॉक्टर्स फैसला करेंगे वही मुझे मंजूर होगा। इसीलिए बाकी डॉक्टर्स एलिस को यहां से डिस्चार्ज करने का फैसला करते हैं, लेकिन इसी के साथ डॉक्टर अल्बर्ट भी अपना इस्तीफा दे देता है। अब इसके बाद यहां पर डॉक्टर डोनाडियो भी आ जाता है, और यहां पर एलिस डॉक्टर डोनाडियो को देखकर हैरान रह जाती है, और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।